दोस्तों, आपने डायनासोर के बारे में तो सुना ही होगा, जो काफी बड़े और शक्तिशाली होते थे, जिसमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे तो कुछ शाकाहारी। और अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ डायनासोर बहुत ही बड़े होते हैं तो कुछ बेहद ही छोटे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायनासोर का साइज कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिरकार अगर डायनासोर छोटे हैं तो वो कितने छोटे होते थे, और अगर कोई डायनासोर बड़ा है तो वो कितना बड़ा होता था। इस वीडियो में हम उन डायनासोर के नाम और साइज दोनों जानेंगे कि वो कितने बड़े होते थे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे डायनासोर से। इस डायनासोर का नाम था कॉम्पसोगनेथस। इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती थी और लंबाई 1 मीटर। इससे भी बड़ा था डाइमॉर्फोडोन, जिसकी हाइट 1 मीटर थी और लेंथ 1 मीटर 45 सेंटीमीटर थी। डाइमॉर्फोडोन से भी बड़ा था डिलोफोसोरस। इस डायनासोर की हाइट 1.3 मीटर थी और लेंथ 3.5 मीटर। इसके बाद आता है मेल वेलोसी रेप्टर, जिसकी हाइट 1.73 मीटर थी और लेंथ 4 मीटर। और इससे जो बड़ा था उसका नाम है फीमेल वेलोसी रेप्टर, जिसकी हाइट 1.73 मीटर थी और लेंथ 4 मीटर। यानी मेल वेलोसी रेप्टर के मुकाबले फीमेल वेलोसी रेप्टर ज्यादा बड़ी थी। नेक्स्ट नंबर पे आता है पैकिसेफलोसोरस, जिसकी हाइट 1.9 मीटर थी और लेंथ 4.46 मीटर। पैकिसेफलोसोरस से भी बड़ा था बेरियोनिक्स, जिसकी हाइट 2.73 मीटर थी और लेंथ 7.6 मीटर। इससे भी बड़ा था एनकिलियोसोरस, जिसकी हाइट 2.8 मीटर थी और लेंथ 7.9 मीटर। और एनकिलियोसोरस से भी बड़ा था कार्नोटोरस, जिसकी हाइट 3 मीटर और लेंथ 10.4 मीटर थी। इसके बाद आता है गैलीमिमस, जिसकी हाइट 3 मीटर और लेंथ 4.61 मीटर थी। मतलब कैर्नोटोरस और गैलीमिमस दोनों की हाइट सेम थी, लेकिन कैर्नोटोरस की लेंथ गैलीमिमस से ज्यादा थी। गैलीमिमस के बाद आता है पटेर्नोडोन, इसकी हाइट 3.1 मीटर थी और इसका विंग सस्पेन 9.8 मीटर था। दोस्तों, विंग सस्पेन का मतलब होता है पंख का फैलाव, मतलब पंख कितना बड़ा है। इसलिए हम लोग उड़ने वाले डायनासोर को विंग सस्पेन में मेजर करते हैं। इससे जो बड़ा था उसका नाम था एलोसोरस, जिसकी हाइट 3.5 मीटर थी और लेंथ 12 मीटर। एलोसोरस से जो बड़ा था उसका नाम था सुकोमिमस, जिसकी हाइट 3.5 मीटर थी और लेंथ 11.47 मीटर। सुकोमिमस से जो बड़ा था उसका नाम था ट्राइसेरोटॉप्स, जिसकी हाइट 3.93 मीटर थी और लेंथ 9.90 मीटर। इससे भी बड़ा था स्टेगोसोरस, जिसकी टोटल हाइट 4.93 मीटर थी और लेंथ 10.1 मीटर। दोस्तों, स्टेगोसोरस से जो बड़ा था उसका नाम था टीरेक्स, और टीरेक्स के बारे में आपने जुरासिक पार्क मूवी में देखा ही होगा। तो टीरेक्स की टोटल हाइट थी 5.9 मीटर और इसका लेंथ 13.5 मीटर था। टीरेक्स से जो बड़ा था उसका नाम था इंडोमिनस रेक्स, इसकी हाइट 6.3 मीटर थी और लेंथ 15.5 मीटर। और इसके बाद आता है स्पाइनोसोरस, जिसकी हाइट 6.4 मीटर थी और लेंथ 15 मीटर। स्पाइनोसोरस से भी जो बड़ा था उसका नाम था ब्रेकियोसोरस, जिसकी हाइट 16 मीटर थी और लेंथ 18.8 मीटर। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो की सबसे बड़े डायनासोर की, जिसे आपने जुरासिक पार्क के इस सीन में तो देखा ही होगा, जिसे हम लोग डायनासोर ना कहकर रेप्टाइल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों ये रेप्टाइल्स के जैसे ही होते थे और इसे आपने जुरासिक पार्क मूवी में तो देखा ही होगा। तो दोस्तों, ये थे साइज कंपैरिजन ऑफ डायनासोर, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।